बेसिकली आपका प्यार ही है जो हर बार हम अपना शो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और लास्ट ईयर जैसे हमने मॉरिशस किया, इस बार हम लोग कर रहे हैं दुबई, एलन एंड अबू धाबी, मतलब पूरा यूएई हम लोग कवर कर रहे हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड से जैसे हम हर बार 25 कंट्रीज लेकर आते हैं। हाँ, थोड़ा कोविड के चक्कर में हम लोगों का थोड़ा कम हुआ है इस बार, बट हाँ 18 कंट्रीज हम लोगों लेकर आ रहे हैं, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया को दुबई के अंदर। और ये जो फिनाले हम लोग इसका करने वाले हैं वो अगस्त में, बाकी आप बताइए। इस बार बहुत डिफ़िकल्ट रहा, हम लोगों ने फिर भी पूरी कोशिश करी, और हम लोगों ने एक वर्चुअल पेजेंट किया जो हमारे लिए एक ऑडिशन की तरह ही था, जिसमें हम लोगों ने मतलब इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी हम लोगों ने कंटेस्टेंट लिए वर्चुअल पेजेंट में, और उनके जो विनर्स थे तो वो ऑडिशन में हम लोगों ने फाइनलिस्ट में अपने इस फिजिकल पैजेंट में लिया। और ये जैसे आपका बहुत लोग एसोसिएटेड हैं इससे, तो उसके बारे में बताइए कि जो है स्पॉन्सर से लेकर और भी जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए क्या। सी सबसे बड़े तो हमारे श्री भाई हैं, तो संकेत प्रोडक्शन बेसिकली इस बार दिस इज नॉट ओनली अ पैजेंट, इट्स गोना बी अ रियलिटी शो, मतलब पैजेंट कम रियलिटी शो, और टेलीकास्ट होने वाला है ये एज वेब सीरीज। तो संकेत प्रोडक्शन, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं हमारे साथ में ही हैं। मिसेज इंडिया का जो चल रहा है इनका, काफ़ी 3-4 साल से मैं जुड़ा हुआ उनसे, तो हमने सोचा कि इसको और इंडिया में और इंडिया से बाहर भी हम इनको आगे इनको प्रोत्साहन करें, एक लेडी जो मिसेज जो हैं उनको प्लेटफॉर्म मिले अच्छा और वो आगे बढ़े। मेरा नाम लवकेश धालीवाल है एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी मिसेज इंडिया यूनिवर्स। ये जो प्लेटफॉर्म है जो लेडीज़ हैं उनके लिए बना है, जो घर बैठे जो एक सपना पाना चाहती है, एक प्लेटफॉर्म जो ग्रो करना चाहती है आगे, ये उनके लिए है। सो हम बहुत खुश नसीब हैं और हम बहुत हैप्पी हैं सब कि ये कोरोना काल के बाद हम लोगों ने फिर से कदम उठाया और अच्छे से करें। टीम को टारगेट करने का नहीं था, बट हम लोग एक नए पेजेंट के साथ आ रहे हैं जो मिस टीन इंडिया यूनिवर्स है, जिसका आज हम एक छोटा सा लॉन्च भी करेंगे, दैट्स इट, और उसकी प्लानिंग धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे चलेगी। हाँ जी, एंड ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जितने कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आप ब्रांड क्रिएट किए अभी तक? हाँ जी, इतने सारे जो क्या आपका यूनिकनेस रहा है सर? सबका अपना अपना पेजेंट, अपने अपने ब्रांड्स हैं, सबके अच्छे पेजेंट हैं, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। यूनिकनेस की बात तो यही है कि सर आप जितना अच्छा करके दोगे, डिलीवरेबल जितने आपके अच्छे रहेंगे कंटेस्टेंट को, वही आपके पेजेंट को अच्छा बनाते हैं। आपके पेजेंट के लिए कंटेस्टेंट मोर इम्पोर्टेंट है, उनको आप जितना अच्छे से रखेंगे आपका पेजेंट उतना अच्छा रहेगा। Thank you, sir. Thank you. Yeah, hi. I'm Anjali Sahni and I'm the official designer with Mrs. India, Mrs. Universe 2020-21. And I'm really honored to be part and having association with Tushar. And it's a great platform what he's providing for the women of India to show their own talent and come over in the front and show their perspective to the world and empower themselves and enhance their beauties. With Mrs. India Universe 2021 and Tushar ji ka ye initiative to present the women of India is platform pe taki wo aakar apna talent aur apni beauty ko aur apne talents ko duniya ke samne is manch pe rakhe, iske liye I'm really honored and he is doing a great job. मैं ब्राइडल गाउन्स करती हूँ, इवनिंग गाउन्स, कोट्योर गाउन्स रहते हैं वो। और इसके अलावा और क्या क्या आपने लुक? हम फैशन कंसल्टेंट की तरह आई एम गिविंग दैट पेजेंट कोचिंग एंड स्टाइलिंग टिप्स ओवर द फैशन इंडस्ट्री, हाउ इट इज़ बूमिंग एंड एसोसिएटिंग विद पेजेंट्री एंड ब्रिंगिंग द वुमेन on the front end and enhancing them in their overall character. हमारे मित्र श्रीपाल जैन जो MD है संकेत इंजीनियरिंग के और सेफियो कंपनी के, हमारे दूसरे मित्र तुषार भाई, इन्होंने इतना अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है मिस टीन इंडिया यूनिवर्स, तो इनके लिए बेस्ट विशेष है हमारी, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया है अपनी हुनर दिखाने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। आप बताइए। ये सब हमारे एसोसिएट हैं, राकेश भाई, विनोद भाई,
और आडवाणी जी और मेहुल भाई ये हमारे साथ में एसोसिएट हैं। ये जो आप कंपनियां देख रहे हो सब हम साथ में एसोसिएट रखे ये सब काम कर रहे हैं और तुषार भाई को प्रोत्साहन कर रहे हैं। मेहुल भाई बोलिए। थैंक यू। और तुषार भाई आप भैया के बारे में पूछे। राकेश भाई हमारे साथ में पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हैं और सोशल वर्कर भी हैं और मतलब जो ना को वो सब है मतलब ऐसा तो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत हाई प्रोफाइल पर्सनल है। सर ऐसा है कि इन्होंने इसके पहले भी इस तरह के इवेंट कर चुके हैं चार, तो इनके मार्केट में बहुत अच्छी कैपेबिलिटी इमेज हो गई है, तो अब इनके प्लेटफॉर्म में आने से लड़कियां नहीं डरती है क्योंकि इनका पास बैकग्राउंड इतना अच्छा है, नीट क्लीन के लोग सामने से आ रहे हैं। आपका जब फर्स्ट टाइम ये सर आया थे या जो भी आया था आपका क्या रिएक्शन था, क्या आपने कैसे आपने हाँ ही भरी? शुरुआत में तो हमें लगा पता नहीं क्या है ये, पर जैसे ही जुड़े पहले तो डर था कि पता नहीं ये प्लेटफॉर्म कहाँ है क्या होगा, पर जैसे ही जुड़े एक शो हुआ दो शो हुआ तो हमें खुशी हुई कि हम तुषार जी के साथ जुड़े हुए हैं। आगे भी ये बिल्कुल जब तक तुषार जी ये प्रोग्राम करेंगे तब तक हम उनके साथ हैं। थैंक यू एक फोटो। ओके ऑन बिहाफ ऑफ किंगफिशर आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर धालीवाल एंड मिस्टर राकेश सबरवाल जी। दिस इज़ अ रियली वंडरफुल प्लेटफॉर्म आफ्टर मिस इंडिया। मैंने देखा अक्सर मिस इंडिया लोग बहुत पार्टिसिपेंट लेती है लेकिन टू गेट and get a platform for Mrs. India is wonderful. So this platform is very good and I'm confident both of them, they can take this participant up to the international level and they are doing at Abu Dhabi. My good wishes with them. Mr. Sabarwal ji, I congratulate you and Mr. Dhariwal, I wish you all the best. My moral support to this platform and all the best to the all participants. Thank you. Bye-bye. मुझे जुड़े हुए तो आप लोग जानते हैं बहुत टाइम हो गया है और ये इवेंट जो है इस बार कोविड की वजह से डिले हुआ, बट डिले होने के बाद अच्छा ये हुआ कि इस बार हम इस पूरे इवेंट को एक वेब सीरीज़ के रूप में भी बना रहे हैं एंड इट विल गो टू अबू धाबी जहां इसको एक अच्छे चैनल प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज़ के रूप में बनाया जाएगा। और तुषार ने ये बड़ा एफर्ट किया, इट्स वेरी करेजियस टू डू इन दिस लॉकडाउन टाइम के बाद एकदम इतना बड़ा इवेंट करना। So I congratulate him and all the best for this event. तो सर आप क्या कहेंगे बसंत सर के बारे में और राकेश सर के बारे में? जो राकेश सर तो शुरू से डे वन से ही सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को और बसंत सर तो पीछे से रह के कब आगे एकदम आगे आ जाते हैं और हमें लेके आगे बढ़ जाते हैं। इनके बारे में क्या बोले, मेरे से ज्यादा तो राकेश जी इनके बारे में नहीं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारी मुलाकात बहुत सालों बाद हुई है। इज ए वंडरफुल पर्सन। मैं हमेशा चाहता हूँ कि इंडियन ब्यूटी शुड बी प्रमोटेड एंड इंडियन ब्यूटी इज बेटर देन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो व्हाई नॉट। So yeah. These both are the face of Mumbai. Thank you. Thank you. Yes, cheers. हाँ जी। Thank you sir. Thank you. हाँ जी। फिल्म बना रहे वेब सीरीज आने वाले हैं। हाँ जी। हर चीज के दो पहलू होते हैं। हाँ जी। क्या दूसरा पहलू कौन सा चाहिए आपको? हाँ जी। आपको कौन से दो पहलू चाहिए बताइए? आप बोलो ना आपको कौन सा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव पसंद है आपको, नेगेटिव पसंद है? पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव मुझे नजर नहीं आता। आपको अगर नजर आ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछो, मैं जवाब दे दूंगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की आती है, हाँ चीज होती है, आपने आपको पता ही है। हाँ हाँ क्या होता है? हाँ आपको जो पता है वो पूछिए। वही पूछो, मैं बता रहा हूँ। हाँ मेरे को लगता है आप कोई बहुत पुराने गांव से, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, देन यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट अपडेटेड। प्लीज गेट अपडेटेड एंड देन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी राकेश जी को और मिस्टर धारीवाल को जो ये शो कर रहे हैं और ये फोर्थ सीजन है जो होने जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट आ रहे हैं और अबू धाबी में होने जा रहे हैं, तो मैं सारे कंटेस्टेंट को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। माय नेम इज डोल्मा, मैं हिमाचल से हूँ, पंजाबी सॉन्ग भी ये करती हूँ। आई जस्ट मैंने भी 2018 में मिस नॉर्थ इंडिया रह चुकी हूँ एंड ऑल पार्टिसिपेंट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
Hi, I'm Ruby Arora. I'm the winner of Mrs. India Universe 2018. I've been associated with Tushar and Mrs. India in Universe for the last 3 years. In 3 years, I've seen the difference going from the national level and to him doing his pageants today at the international level. This year, we're going Abu Dhabi. It's a huge, huge achievement for him and the entire team. I think I wish all the best to all the ladies here. I think with each year, the girls that we're getting, the women are actually proving themselves what they are today to the world. So Ruby, you have been part of this competition. How was the experience last year, and what about the competition, and what about Tushar, sir, who is organizing the competition as such? I think Tushar has created a very, very huge platform for the women to come and prove what they are, and I think he has the best team. I've not seen any other pageant in India going international the way he's doing it. He's giving all the girls an international platform ahead. So after they win Mrs. India Universe here, they get a chance to go ahead to Mrs. Universe, which is again a big step for them. So how your life had changed since you participated and you got the crown last year? It's brought a huge difference to my life itself, because I see myself what I have come with him in the last 3 days. So it has a huge effect. It's up to you how you make the best of it, and he is always there to support you. Thank you. Thank you. Hi, I'm Anuja Zaveri. I'm from Mumbai itself, and I was the winner of Mrs. India Universe Quarantine Queen, which was also conducted by Mr. Tushar Dhaliwal and Archana Tomar. And I'm really grateful that they've got this platform for us, because they have got globally all the women under one roof. And I guess that this is something really a woman, you know, after marriage looks up to, that, you know, she wants to become a queen, or, you know, she wants to do something in her life. And this channelizes to many other streams which you may go. So I wish my all contestants all good luck. Ma'am, what about you, please? Your introduction about Tushar, sir, about the competition and how was it? नमस्ते, मेरा नाम त्रिना मिस्त्री है. मैं वडोदरा गुजरात से हूँ. प्रोफेशन से तो मैं अकाउंटेंट हूँ, लेकिन बचपन से ही सपना रहा है कि मैं एक मॉडल बनूँ. जो मैं अनमैरिड थी तभी मैं पूरा नहीं कर पाई. तो थैंक यू सो मच तुषार सर एंड अर्चना मैम, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. पेजेंट वो है जहाँ हम अपनी बात रख सके, छुपे टैलेंट को पहचान सके और इन्हेंस कर सके. तो थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए. Hi everybody, I'm Priya Sathya from Bengaluru. तो मैंने भी just like Anuja Zaveri mentioned, I was a participant for Quarantine Queen Season 3 and a winner of the same. तो when India was completely, you know, distressed with COVID, Tushar sir actually brought this up, an amazing Quarantine Queen season where instead of being bored, irritated and crying about COVID killing all of us, this was a platform where we got to compete and show to the world that all of us are made of something very unique. So, jaise sab logon ne bola, you know, we are very proud to be here, extremely grateful and privileged that we are part of such an amazing platform. So, good luck to everybody. Thank you. मेरा नाम दीप्ति सिंह है और मैं एक housewife हूँ. और ये this is my first time in pageantry. और तुषार सर ने बहुत help की है इन सब ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग. एंड बहुत ही एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है यहाँ का. दैट्स इट. मैम प्लीज आप बताइए अपने बारे में, बताइए कंपटीशन के बारे में और तुषार के बारे में. माय नेम इज़ पिया धर. आई एम अ सीनियर एचआर प्रोफेशनल इन अ ग्लोबल मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी. First of all, I would like to say thanks to Tushar and Arjuna for creating such a wonderful platform where we as a woman, we feel safe. Let me be very honest here. And I think it's a wonderful platform to fulfill your dreams, where all the married women who have crossed their life, you know, being in the family, always thinking about their family. And here is an opportunity which comes from Arjuna and Tushar, where you can fulfill your own dreams. You walk the ramp and it's a safe environment, I would say. So thank you so much. Okay, namaskar. Mera naam Juhi Verma hai and I'm a healthcare professional. So being here is a very good experience. And I think it is a good platform for every woman who is, you know, dealing with her life in daily, you know, routine and practices, and she actually fulfills all the daily goals, and after that she, you know, manages herself with all the flaws and, you know,
flaws in her, you know, life, in her figure, in her body, in every perspective. And after that also, it's a, you know, huge thing and a huge motivation given by Mr. Tushar and Archana ma'am, you know, with this, creating this pageant and, you know, organizing this in a very good way. Thank you. Hello everyone. I'm Savita Paul. I'm a rostering specialist and a flight planner. I'm from Mumbai. This is a great opportunity that I have come today here as a pageant, and I'm already a Mrs. Maharashtra finalist. So this is like 20 years back I had a dream, but unfortunately, like after marriage, I couldn't do it. But this is now actually, this I have got the opportunity from my daughter. She is 21 and just I want to rock it. Ma'am, about yourself, about the competition, about the competition. Hi, I'm Chetna Suchdeva. I'm from Delhi, a global communications professional. I have participated in a pageant earlier, which was more at city level, but I'm really excited to be a part of this platform which has gone international. I think Tushar and Archana have done a wonderful job of creating a platform for women like us who want to prove themselves even after marriage, who want to fulfill their dreams. So I think I'm really, really excited and very grateful to be a part of this platform. Thank you so much. Hi everyone, I'm Pungodi Manikandan from Tamil Nadu, and I'm a makeup artist. I have 17 years experience in this field. Then I have a daughter, she's 18 years old. Then I'm really happy to this part of this pageant, and thank you so much to Tushar and Archana ma'am. Thank you. हेलो, मेरा नाम श्रुति सक्सेना है. मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ और रेलवे में गार्ड के पोस्ट पर हूँ. या शादी के बाद में मैंने कभी सुना नहीं था ऐसा, और सोचा भी नहीं था कि ये सब ऐसे मिलेगा देखने के लिए और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ सकेंगे. बस थैंक्स टू तुषार एंड करिश्मा ऑल्सो, जिन्होंने शादीशुदा महिलाओं को एक बार अपने आप को फिर से पहचानने का मौका दिया. अदरवाइज़ लेडीज़ बस घर में ही रह जाती हैं, या तो हाउसवाइफ हो जाती हैं या फिर बस जॉब करके अपनी ज़िंदगी बिता देती हैं. सो थैंक्स करिश्मा एंड तुषार. थैंक यू. शो, सो माय नेम इज़ करिश्मा छाबरिया. आई हैव बीन अ पेजेंट कोच एंड एन ऑफिशियल ग्रूमिंग पार्टनर विद मिसेज इंडिया यूनिवर्स, एंड आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग फॉर देम. सो वी डिड अ लॉट ऑफ क्वारंटीन क्वीन सीजंस, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग इट इन ऑगस्ट 2021. And what about Tushar sir, who is organizing? Tushar is brilliant. He's extremely hands-on, very, very ambitious, and every time he's only looking at doing better and better and better with Mrs. India. So he's amazing. And what about the contestant you have chosen? So today the contestants, very few contestants are with us today, about 12 or 14. But for July, for Dubai, we have many, many contestants, and we've had a good audition procedure before we selected them. Thanks, Tushar. Everyone, it's Gioconda from Italy. I'm proud to be here tonight for the inauguration of this marvelous event, whose finale will be held in Abu Dhabi, and it's the fourth edition, and all the three past editions have been very successful, so I'm sure this edition too will be great. So I'm proud to be here tonight, and thanks for all. Thanks for Miss Teen India Universe 2021. Hanji, Sasikal ji, how are you? पहले तो सब मीडिया को मेरा सलाम. और ये तुषार भाई जो शो करा रहे हैं, ये पिछले चार साल से इनको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे शोज़ करा रहे हैं और बहुत लोगों को इन्होंने चांस दिया. तो मेरी तो बेस्ट विशेस है कि ऐसे इस साल भी इनका ऐसे शो, लास्ट टाइम मॉरिशस में किया था, उससे पहले जयपुर में किया था. तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं सब पार्टिसिपेंट्स को और तुषार भाई को जो डायरेक्टर हैं इस शो के, कि और अच्छे से सक्सेसफुल हो, और मेरी बेस्ट विशेज. थैंक यू. आज इस इंडस्ट्री का एक साल का बनवास ख़त्म हुआ है और वापस से काम करना शुरू हो रहे हैं. आप भी देख रहे होंगे, इतने लोग इकट्ठे पहली बार आपको इस साल के बाद दिख रहे हैं, जो सब कुछ एक साल कोई काम हुआ नहीं. अब सब चीज़ें धीरे धीरे लेवल पे आ रही हैं और आप सब लोग भी मास्क पहन के अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा. रोज़ हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि ताकि लॉकडाउन बॉम्बे में ना लगे, कुछ सिटीज़ में लग चुका है, बट अब काम वापस शुरू हो गया. बट बॉम्बे के अंदर शूटिंग करने से लोग अभी भी डरते हैं. हम भी अपने जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अभी तक यही प्लान है कि बॉम्बे में शूटिंग नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे ताकि वहाँ रिस्क नहीं हो एक्टरों को, यूनिट को, सबको. तो अभी हम एक वेब सीरीज़ शुरू कर रहे हैं MX प्लेयर के लिए, और एक और वेब सीरीज़ है बहुत बड़ी, और एक इंटरनेशनल फिल्म है. ये तीन प्रोजेक्ट हैं अभी,
जो एक एक के बाद शुरू होंगे। कुछ डिस्क्लोज करना चाहेंगे? कोई ऐसा? कुछ भी नहीं, उसके लिए आपको फिर बुलाएंगे ना। अच्छा? अभी आप डिस्क्लोज कर लो, फिर उस दिन क्या पूछोगे मेरे से। तो फिर भी सब्जेक्ट या कोई ऐसा जाना पहचाना चेहरा? सब नॉन एक्टर है, बड़ी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है उसकी। इस लॉकडाउन में सबसे अच्छा ये हुआ कि हमारी दो स्क्रिप्टें जो 6-6 महीने लग के बनी, वो स्क्रिप्टें बहुत अच्छी तैयार हो गई। नहीं तो राइटर्स को टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा इसका काम करेंगे थोड़ा उसका करेंगे, तो लग के जो किया गया स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बन गई है। और उस स्क्रिप्ट के लिए मेरे पास कम से कम 5 चैनल्स OTT के ऑफर्स हैं, बट अभी हमने सोचा हम खुद बनाएंगे, बनाने के बाद देखेंगे क्या करना है। तो OTT का सब्जेक्ट क्या है सर? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो आजकल चल रहा है यूथ का, जैसे वैसे अभी आप बोलोगे तो MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज़ आई थी, जो मुझे लोगों ने बताया कि इस साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज़ है, उसका नाम है मस्तराम। कुछ 600 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं उसको अभी तक। तो हम वैसा तो नहीं बना सकते, पर उसी लाइन पे थोड़ा मॉडर्न, वो अर्बन है मॉडर्न बना रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त स्टारकास्ट है, उसके 15 एपिसोड बनेंगे, और सब कुछ ठीक रहा तो मार्च एंड से हम शूटिंग कर रहे हैं। तो राकेश, लास्टली ये भी हम चाहूँगा कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये आया है कि जो OTT प्लेटफॉर्म को लेकर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं नहीं उनके खिलाफ जो। देखिए आपको मैं क्लियर बताऊं, OTT के ऊपर कोई भी कानून नहीं चलता है कि OTT के प्लेटफॉर्म्स की लोडिंग जो है इंडिया से बाहर होती है, उस कंट्री के ऊपर इंडिया का लॉ नहीं चलेगा। आपने देखा होगा तांडव का भी बहुत कुछ हल्ला हंगामा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ने OTT के लिए गाइडलाइन जारी की है, उसमें भी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। एक सेल्फ अपने आप को सारे OTT इकट्ठा होके एक सेल्फ गाइडलाइन बना रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कि भी जो भी शो आ रहा है उससे पहले एक लाइन आएगी कि ये भाई 18 साल से ज़्यादा वाले देख सकते हैं, ये बच्चे नहीं देख सकते, वो एक डिस्क्रिमिनेशन आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नेट के ऊपर किसी भी तरह की सेंसरशिप, ये 20 साल से चल रहा है इंडिया में, तो अभी आया है, तो फॉरेन में कहीं हुई नहीं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ भी होने वाली है। जैसे आप कह रहे वेब सीरीज चालू कर रहे हैं, तो नए आर्टिस्ट जो जुड़ना चाहे आपके साथ वो कैसे जुड़े? वो जुड़े हैं। देखिए चांस हमने हमारी हर फिल्म में, मैंने जितनी फिल्में जो भी बनाई हर एक में किसी सिंगर को किसी नए एक्टर को चांस दिया है, पोटेंशियल होगा ज़रूर देंगे। इसमें भी 2-3 लोगों को चांस दिया जा रहा है, और म्यूज़िक आपको इस बार 2 नए म्यूज़िक डायरेक्टर मिलेंगे जो इस वेब सीरीज़ के अंदर 6 गाने वो करेंगे, उनका नाम भी डिस्क्लोज करेंगे जब काम शुरू होगा, जब गाने बनने शुरू हो गए हैं, स्क्रिप्टिंग शुरू हो गई, सब कब लॉक हो चुके हैं, आर्टिस्ट सारे लॉक हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपको अनाउंसमेंट मिलेगा। इट विल बी ए बिग अनाउंसमेंट, और आप सबको उस दिन बुलाएंगे, लक्की जी लेके आएंगे, आपको उस दिन सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने डिस्क्लोज करने को मना किया, बट ये आ गया, अभी बात हम उसी कर रहे थे। एनीवे, अभी ये आए हैं मिसेज इंडिया यूनिवर्स की लॉन्चिंग के ऊपर, और उसके लिए आप उनसे बात करें। सर, समथिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट हैपनिंग और समथिंग अबाउट तुषार धारीवाल, क्या कहना चाहेंगे और अबाउट योर करियर अ लिटिल बिट अबाउट योर करियर आल्सो। सबसे पहले तुषार को बर्थडे विश करना चाहूंगा, और उसके साथ हाँ, उसका बर्थडे भी है जी, तो तुषार के बर्थडे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और मैं हर साल आता हूँ, और ये बड़ा होते जा रहा है, बेटर होते जा रहा है, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरीके से प्रोत्साहन करते रहें नारी का, और क्योंकि उनको ऊपर वाले ने कंप्लीट बना के भेजा है, तो हमारा काम सिर्फ उन्हें जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम एक सपोर्ट कर सकते हैं बस, बाकी उनकी ग्रोथ और हर चीज़ के अंदर मुझे लगता है कि हमारा जितना भी योगदान होगा उतना हमारे देश के लिए हमारे कल्चर के लिए बढ़िया रहेगा। अबाउट माई करियर, आई एम डूइंग कपल ऑफ वेब सीरीज, वन इज़ फॉर Amazon Prime, वन इज़ फॉर MX प्लेयर, और सबरवाल जी के साथ भी काम करने के लिए जुड़ रहा हूँ। ये मेरे साथ इस साल काम कर रहा है, बाकी क्वेश्चन मत पूछना कौन सा है क्या है, वो बाद में बताएंगे, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एग्जैक्टली, थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैम, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, लुक सेंटर मैम, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड समथिंग अबाउट मिस टीन इंडियन यूनिवर्स एंड अबाउट तुषार धारीवाल, व्हाट यू से, क्या कहना चाहेंगे आप? Hi everyone, I'm Shweta Rathore. I'm the Miss World Fitness Physique and I represented India for so many events, and I'm the first female from India to win Miss World, Miss Asia and hat-trick Miss India title, and as well as appointed as a Fit India Brand Ambassador, an initiative taken by our Prime Minister Narendra Modi. Today I'm so glad and happy because as we know that we are for the Miss Teen Universe, and this is one of the platform and great initiative taken by Rakesh Agrawal ji to given the opportunity to the different kind of females, and very very strong platform, and I think
lots of youngsters, girls, जो भी जो लड़कियाँ हैं जो अपना करियर बनाना चाहती हैं, आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म गिव दैम lots of grooming, confidence, and as well as they can be better person, and whatever they want to pursue, I think these kind of platform really boost their confidence and make this thing very, very happen. So I'm so glad to be a part of this event. Thanks, thank you so much. Thank you. My name is Sneha. I'm from Allahabad. My age is 16 years. I am the winner of the Miss Teen India Universal 2020. Thank you. As you know, God has wonderfully created to us, not to just come and exist, but to make a difference. Good evening, everyone. I am Pratibha Sharma of 16 years from Haryana, and I am the winner of Miss Teen India Universe World 2020. Thank you so much. Hindi mein baat karenge aap? Kya? Aapka parichay pura naam? नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा 16 साल की हरियाणा से हरियाणा में रहती हूँ, और ये क्राउन जो आज मेरे सर पे है, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इसके लिए मैंने जो मेहनत की थी, एंड आज मुझे लग रहा है कि मैं सक्सेस हो गई हूँ उसके लिए. बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है, और सबसे ज़्यादा हार्ट इस सक्सेस के पीछे मेरी मम्मा, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हर किसी का, एंड मेरे फादर का भी बहुत बड़ा हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ मेरे सर का है, जिन्होंने मुझे हर तरह की चीज़ में बताया कि किस तरह से कौन सी भूमिका निभानी चाहिए, कब आप स्टेज के सामने जा रहे हो, किस तरह से आपको वॉक करनी है, किस तरह से आप बात करते हैं, टॉकिंग ऑफ द वे, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गिविंग बाय माय सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्राउन. आई एम सो हैप्पी. थैंक यू. कैसे पहुंचे यहां तक कैसे पहुंचे आप? एंट्री कैसे हुई? इधर देखिए यार. नहीं, इधर भी लेफ्ट साइड नहीं है. हां, कैसे एंट्री सेंटर में देखिए. ओके, एक्चुअली पहले मैंने मिस इंडिया दिल्ली का सब टाइटल विन किया हुआ था, और आफ्टर दैट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च की, तो मुझे लगा अब जब इंडिया का कर लिया है तो क्यों ना यूनिवर्स का भी किया जाए. तो आई सर्च दैट कि मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मम्मा सिर्फ मेरे सपोर्ट में थी उस टाइम, डैड जो है मेरे अगेंस्ट थे, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे छुप के ये सब कर रही थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सब करना. तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऑनलाइन देखते हैं. ऑनलाइन में मतलब क्लासेस ऑनलाइन मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि क्लासेस जब मैं ऑनलाइन कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूरत क्या थी टेंशन लेने की. तो वो जब क्लासेस मुझे ऑनलाइन मिली, सर ने मुझे सब कुछ समझाया, और वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, मैं इसको विन कर सकती हूँ. इसके लिए मैंने रात भर सारी मतलब जस्ट लाइक गूगल पे सब सर्च करी थी कि किस तरह से क्या चीज़ें बताई जाती है जो हमें सर बता रहे हैं, या जैसे हम सर बताते हैं हमें कि ये मेरी आईडी है, इस पे चेक करना ज़रा कि मैंने किस तरह से वॉक की हुई है, उसे देखना, आप उसे ज़रूर सीखोगे. मैं उसे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन उसको बार बार क्लिक करके उसको बार बार देखती थी कि हाँ, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, नहीं ये मेरी मिस्टेक है. तो मैंने उसको जहाँ जहाँ मेरी गलतियाँ थी मैंने उसको सुधारा, और आज सबके सामने है इस क्राउन के साथ जो मैं यहाँ पे हूँ. बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू. सबसे फेवरेट सिंगर कौन से आपके हरियाणा की बात करें? सपना चौधरी है, कोई और है? सिंगर नहीं है. मेरे लिए है वो छन्नी वाला है ना, बीच में उन्होंने निकाला था. अब कोई एक गाना गा दे. एक गाना कोई कोई भी. मैं सॉन्ग कौन सा हिट गाना भाई बता दो. तो नाचते हो हरियाणवी? नहीं, वो पवन जी नाचते ना उसका. कौन पवन जी? इनकी मम्मी बोल रही है डांस करा रहा है. No, singing. Oh, Dingu bhai dance karwa. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wish you all the best. Thank you, sir. Lucky ji.